हाँ जी, आप अजमेर शरीफ आए, कैसा महसूस हो रहा है आपको? बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह। सबसे पहले मैं अली खान एक्टर की तरफ से सारे हिंदुस्तान वासियों को ख्वाजा साहब की मुबारकबाद। हम लोग कल से हाजिर किया है, सरवा शरीफ का वहाँ भी हाजिर किया, सबके लिए दुआएं की, अपने लिए दुआएं की, अपने परिवार के लिए दुआएं की और इसमें दुआएं की कि मुल्क में अमन शांति कायम रहे और इसी तरीके से भाईचारा कायम रहे। आपकी फिल्में बताइए और आने वाली फिल्मों के बारे में बताइए। फिल्में तो बहुत सारी रिलीज हो चुकी हैं, जैसे कि प्रोग्राम इंडिया मिली हो 40, कुछ फिल्में आ भी रही हैं। बस आज तो ऐसा मौका है कि यहाँ पे छोटी शाम शुरू होने जा रही है, सब दुआएं करने आए, दुआएं और अपनी अपनी मुरादें पूरी करवाने आए। अच्छा ठीक है, आप गीत तो हमारी लो भाई, चलते रहो, सामने छोटी देख है, सामने छोटी देख है, हुजूर गरीब नवाज के नियाज का बेटा, देख में डालते रहो, चलते रहो, हुजूर गरीब। ए रुको रुको भाई, अरे ले आ रहा पुलिस वाले ने भी ले, अरे रुको भाई, अरे ले रहा भाई, अरे हाथ अड़ाइए एक मिनट, हाथ अड़ाइए, हाथ अड़ाइए, अरे एक मिनट बेटा भाई, हाथ अड़ा, थोड़ा सामने चढ़ी होंगे, अरे मैं भी आपको एक चीज दूंगा, बताइए आप अजमेर आए, कितने सालों से आपका आना हो रहा है? माशाल्लाह अजमेर तो हम बचपन से आ रहे हैं और सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी को सलाम पेश करता हूँ और ख्वाजा जी का और सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद हो। और हमने अजमेर में सलामी पेश की, उसके बाद सरवार शरीफ में सलामी पेश की और माशाल्लाह बहुत अच्छे से ज़ियारत हुई, काफ़ी अच्छे लोग यहाँ पे काफ़ी कोऑपरेट करते हैं सारे लोग और माशाल्लाह यहाँ पे आने के बाद एक रूहानी अलग ही मिजाज हो जाता है हमारा और माशाल्लाह आने वाली फिल्मों के लिए भी हम प्रे करते हैं और साथ ही साथ आवाम के लिए, हिंदुस्तान के लिए, साथ ही साथ पूरे देश और दुनिया के लिए दुआ करते हैं कि हर जगह चैन और अमन बना रहे, सबके दिलों में मोहब्बत बने। अभी आपकी कौन सी आने वाली फिल्में हैं? अली भाई इधर इधर, अली भाई आइए, सुफियान भाई आइए, आइए निकलते हैं, पीछे का दरवाजा, नहीं नहीं अपन बीच में से निकल जाएंगे, बीच में आइए।